Welcome back everyone. In this second tutorial class on linear equations in two variables. In today's class, we are going to learn how to plot linear equations in graph. So, let us see what are the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to how to represent a linear equation in graph and solve the simultaneous linear equation using graphical method. So let us revise what we have learned in the previous class. We have learned the definition of linear equation. हमने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन सीखी थी एंड हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है और मींस की एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट अवर today's class of linear equation in two variables. Graph of a linear equation in two variables. अब हम देखेंगे कि linear equation को graph में कैसे plot करते हैं. Let us consider the equation plus y equal to 14. अब हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है. इसके लिए हम 3x को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, y equal to 14 plus 3x लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस 3x. तो y equal to 14 माइनस 3x. अब हमें x की कोई भी एक वैल्यू कंसिडर करना है. ठीक है, हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं. कंसिडर x इक्वल टू 1 तो हम देखेंगे कि इसके लिए हमें y की वैल्यू क्या मिलती है. तो y इक्वल टू 14 माइनस 3, x is replaced by 1. 3 into 1, 3, 14 minus 3, 11. ठीक है, तो x equal to 1 के लिए y की वैल्यू क्या मिली, y equal to 11. अब अगर हम x equal to 1 की जगह x equal to 2 consider करें या फिर put करें x equal to 2 तो हमें y की एक वैल्यू मिलेंगी. देखते हैं वह क्या वैल्यू मिलेंगी. y इक्वल टू 14 माइनस 3, फिर से यहां पर x इज रिप्लेस बाय 2. 3 इंटू 2 6, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8. ठीक है, सो x इक्वल टू 2 के लिए हमें y इक्वल टू 8 मिला. इसी प्रकार से जब हम x की कोई भी एक वैल्यू इस इक्वेशन में या फिर दिए हुए कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिलेगी. ठीक है, अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं उसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं. यह है हमारी x एक्सिस और यह है हमारी y एक्सिस. ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में x एक्सिस पर पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव पॉइंट. वैसे ही ओरिजिन के ऊपर की तरफ में y एक्सिस के लिए पॉजिटिव पॉइंट और ओरिजिन से नीचे की तरफ में y एक्सिस के लिए नेगेटिव पॉइंट रहते हैं. ठीक है, थीके?
एक्स एक्सिस पर वाई के सारे पॉइंट्स कैसे रहेंगे, जीरो, और वाई एक्सिस पर एक्स के लिए सारे पॉइंट्स कैसे रहते हैं, जीरो। ठीक है, जैसे कि यह एक्स एक्सिस है और वाई इक्वल टू 12 रहा तो यह कैसा रहेगा, कैसा पॉइंट रहेगा, ये जीरो और 12। ठीक है, जो मैंने अभी कहा वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्स एक्सिस पर वाई के लिए सारे पॉइंट्स कैसे रहेंगे, जीरो रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम हमेशा जो सोल्यूशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एक्स और कॉमा वाई देके। इट मींस कि इसका मतलब कैसे लिखते हैं हम सोल्यूशन, एक्स कॉमा वाई। इट मींस कि इसका मतलब क्या है, पहले हम कौन सा कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और सेकेंड पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट के लिए लिखते हैं। ठीक है, अभी हमने जो फाइंड आउट किया था तो वहां हमें कितने पॉइंट्स मिले थे, 2 पॉइंट्स मिले थे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के लिए हमें y की वैल्यू क्या मिली थी, 11। वैसे ही x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या मिली थी हमें, 8 मिली थी। ठीक है, इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जब x की वैल्यू 1 है, x एक्सिस पर 1 देखिए, और y की वैल्यू क्या चाहिए, 11, y एक्सिस पर 11, यह। तो इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, यह। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 11 के लिए हमें यह पॉइंट मिला, 1, 11। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू क्या है, 8 है, y इक्वल टू 8। ठीक है, कितने पॉइंट्स मिले हमें, 2 पॉइंट्स मिले हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने के बाद में हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो इससे हमने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ। ठीक है, तो जैसे हमने अभी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट किया था, ठीक उसी प्रकार से अब हम दो इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, अब हम दो इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर अ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं हम 3x प्लस y इक्वल टू 2। अभी हमने सीखा इक्वेशन में x की कोई भी एक वैल्यू पुट करें तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेंगी। उसी तरह से अब हम यहां पर भी दोनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 2। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम अगर x की वैल्यू 1 कंसीडर करें, ठीक है, 1 पुट करें, इस इक्वेशन में हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती है -1। अभी मैंने आप लोग को सिखाया, ठीक है, तो आप लोग इसे फिर से खुद ही घर में कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें y की वैल्यू मिलती है 0.667। हो सकता है कि आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो आप लोग उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और पॉइंट ले लेते हैं, अगर x की जगह 3 पुट करें तो y की वैल्यू मिलती है हमें 2.33।
यह तीन पॉइंट हमने हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिया है। इसी तरह से सेम हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यही तीन पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई। इस इक्वेशन में भी अगर हम एक्स की वैल्यू वन कंसीडर करें तो हमें वाई की वैल्यू फिर से क्या मिलती है, यहां पर भी माइनस वन मिलती है। अगर एक्स की जगह अगर यहां पर टू कंसीडर करें तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस फोर आ रही है। वैसे ही सेम अगर एक्स की वैल्यू आप थ्री कंसीडर करें तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सेवन आ रही है। ठीक है, आप अपने मन से x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इन x और y की वैल्यू के दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा पॉइंट्स कैसे हैं, x इक्वल टू वन और y इक्वल टू माइनस वन। तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, यह पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वैसे ही सेम सेकेंड पॉइंट क्या है, x इक्वल टू टू और y इक्वल टू 0.667। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पर आपकी सिक्स वाली लाइन, ये फिफ्थ लाइन है और ये सिक्स वाली लाइन। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x इक्वल टू थ्री और y इक्वल टू 2.33। ये टू पॉइंट, उसके बाद थ्री थ्री के लिए हम थर्ड लाइन कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखा है, इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल टू वन और फिर से y इक्वल टू माइनस वन, तो फिर से हमारा ये पॉइंट आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था वहां पर, x इक्वल टू टू और y इक्वल टू माइनस फोर, ये पॉइंट y इक्वल टू माइनस फोर। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट क्या है, x इक्वल टू थ्री एंड y इक्वल टू माइनस सेवन, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये तीन पॉइंट हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए मिले, तो ये तीन पॉइंट को भी हम अब क्या कर लेते हैं, एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहां देखिए, ये दोनों एक दूसरे को, ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कट कर रही है। ठीक है, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू माइनस वन। ये जो पॉइंट x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू माइनस वन, जो कि दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह दोनों लाइन में आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर में साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था, वही सॉल्यूशन हमने आज ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना सीखा है। ठीक है, बाकी और कोई पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं क्या, नहीं। ठीक है, जब भी आपके पास दो इक्वेशन रहेंगे तो उसके थ्रू, आप उस ग्राफ के थ्रू अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको हमेशा एक क्या मिलेगा, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा और वह आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं समरी कि वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। प्लॉट लीनियर इक्वेशन इन अ ग्राफ, प्लॉट साइमल्टेनियस इक्वेशन इन अ ग्राफ, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अवर अपकमिंग टॉपिक इज़
graph of a linear equation in two variables for parallel lines. Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.